हेलो गाइस माई सब शुभम अग्रवाल फ्रॉम टिमाशिज तो अपन आ गए अपनी नेक्स्ट सेकंड वीडियो के ऊपर को एनजाइम्स ठीक है पिछली वीडियो में अपन ने एंजाइम्स की बेसिक डेफिनेशन बेसिक प्रॉपर्टीज़ और क्लासिफिकेशन देखा था आई क्लासिफिकेशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था ठीक है अब अपन देखते हैं को एनजाइम्स सो so, क्या होते हैं को एनजाइम्स अपन ने बात करी थी कि एन्जाइम्स जो होते हैं मोस्टली मोस्टली जो एनजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं प्रोटीन्स ठीक है अपन ने एक्सेप्शन भी देखा था कि राइबोजाइम्स होते, होते हैं आरएनए कंटेनिंग एंजाइम्स पर मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं ठीक है बट कॉम्प्लेक्स जो एंजाइम्स होते हैं उनमें एक तो प्रोटीन और कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है ठीक है तो ये नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता इसको है इसको अपन बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रोस्थेटिक ग्रुप और इसी प्रोस्थेटिक ग्रुप को अपन को एनजाइम भी कहते हैं ठीक है थीके? तो अपन ने देखा था कि एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं बट जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स होते हैं उनमें प्रोटीन्स भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट्स भी होता है और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप कोई को, को एन्जाइम बोलते हैं ठीक है तो अपन ने देख लिया एंजाइम्स के दो हो गए पार्ट एक तो हो गया प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट और एक हो गया आपका नॉन प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट ठीक है तो प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट को एक अलग नाम देते हैं एपो एंजाइम ठीक है और नॉन प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट को ही अपन नाम देते हैं को एनजाइम या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप या फिर को फैक्टर कुछ भी कहते हैं तो टोटल जो एंजाइम होता है फंक्शनल पार्ट जो होता है उसको अपन बोलते हैं होलो एंजाइम ये तीन टर्म याद रखना ये तो फाइनल फंक्शनल पार्ट ऑफ एंजाइम है फंक्शनल फाइनल पार्ट ऑफ एंजाइम तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि होलो एंजाइम इज़ इक्वल्स टू एपो एंजाइम दैट इज़ प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट एंड को एन्जाइम डेट इज़ नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम ठीक है तो एपो एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट होता है और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो को एन्जाइम होता है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है को एन्जाइम का वो अपन डिस्कस करेंगे ठीक है और क्या क्या को एनजाइम्स है वेरियस तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो को एनजाइम की क्या डेफिनेशन बनेगी इट इज़ नॉन प्रोटीन स्मॉल मोलिक्यूल्स नॉन प्रोटीन स्मॉल मोलिक्यूल्स या फिर मेटल आयन्स भी हो सकते हैं वो अपन देखेंगे उनको मेटलो एन्जाइम्स कहते हैं ठीक है जिस एन्जाइम्स में मेटल एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप या को एनजाइम होता है ठीक है डेट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन दैटलिसिस रिएक्शन डेट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन कैटेलिस रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन है उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं तो अब इनके कुछ फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो जो प्रोटीन पार्ट होता है वो तो आपको पता ही है और तो अपन नॉन प्रोटीन पार्ट को की बात करते हैं ठीक है थीके? तो दे आर एसेंशल फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम ठीक है एक तो ये पॉइंट हो गया दूसरा अगर मैं बात करूँ तो इनका जो होता है लो मोलिकुलर वेट के होते हैं ये लो मोलिक्यूलर वेट ठीक है इनका वेट जो होता है वो लो मोलिकुलर वेट का होता है उसके अलावा बात करूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात अगर वाइवा में पूछे तो दे आर हीट स्टेबल हीट स्टेबल ने एंजाइम्स जो देखे थे तो मैंने क्या बोला था कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स जो होते हैं वो हीट लेबाइल होते हैं मतलब हीट से डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि आपने सब ने पढ़ा है कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो कोगुलेशन हो जाता है हीट कोगुलेशन हो जाता है प्रोटीन पर ज़्यादा हीट देते हैं तो कोगुलेट कर जाते हैं इसलिए हीट से लेबाइल होते हैं बट ये जो होते हैं क्योंकि ये नॉन प्रोटीन है तो ये हीट स्टेबल होता है तो ये आपका एक वाइवा का क्वेश्चन हो गया ठीक है उसके बाद और प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो को एनजाइम जो होते हैं दे कम्बाइन लूजली विथ एंजाइम लूजली विथ एंजाइम मतलब लूजली होते हैं तो ये सेपरेट करे जा सकते हैं तो दे कैन बी सेपरेटेड इजीली बाय डायलाइसिस तो दे आर डाइलाइजेबल ठीक है कि ये बहुत कम्बाइन लूजली कम्बाइन करते हैं एंजाइम के साथ इसलिए दे कैन बी सेपरेटेड इजीली बाय डायलिसिस प्रोसीजर्स ठीक है और को एनजाइम जो है कि बॉडी में जैसे मान लो कोई रिएक्शन है और एक बार वो रिएक्शन कम्प्लीट हो गई तो रिएक्शन कम्प्लीट होने के बाद को एनजाइम जो है दे को एनजाइम जो है वो रिलीज हो जाता है रिलीज़ फ्रॉम एपो एजाइम ठीक है एपो एनजाइम के साथ जुड़ा हुआ है ना ये तो ये रिलीज हो जाता है और ये फिर जो होता है फर्दर कैन बाइंड टू अदर एंजाइम मोलिक्यूल कैन बाइंड टू अनादर एंजाइम मोलिक्यूल ठीक है तो एक बार रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो ये इससे अलग हो जाएगा को एन्जाइम और ये फिर दूसरे वाले एंजाइम के साथ दूसरे एपो एनजाइम के साथ जुड़ के रिएक्शन चलती रहेगी ठीक है तो अगर मैं एक एग्जाम्पल से बताऊँ आपको तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है ठीक है अगर आपने पढ़ चुके हो पहले से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म तो अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि ग्ला, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लिसरल्डिहाइड थ्री फोस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड डाइड थ्री फोस्फेट डीहाइड्रोजेनेस एनजाइम क्या बनाता है वन थ्री बिस्फोस्फो ग्लिसरेट अब इसमें एंजाइम कौन सा था ये था ग्लिसरल्डिहाइड डाइड थ्री फॉस्फेट बट को एनजाइम जो था वो था एन ए डी प्लस और इससे क्या बन रहा था एन ए डी एच एच प्लस ये अभी मैं बात करूँ एन ए डी प्लस और इन्हों की ठीक है तो मैंने क्या बोला मान लो ये रिएक्शन कम्प्लीट हो गई तो अब ये वाला जो को इससे बना ये वापस से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरी रिएक्शन भी चल सकती है जैसे लेक्टेड से फाइनली एनेरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में पायरोवेट बनता है ठीक है पायरोवेट से लेक्टेट बनता है ठीक है और लेक्टेड से पायरोवेट भी ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो इसमें क्या होता है कि एन जो इधर बना था वो यूटिलाइज हो रहा था तो मैंने यही बोला ना कि जैसे को जो रिलीज़ हुआ और वो कैन बाइंड टू अनदर एंजाइम एंड रिएक्शन जो हो सकते हैं ठीक है तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं कि कपलिंग ऑफ रिएक्शन ठीक है तो ये एक एग्जाम्पल ध्यान रखना अभी अपन एन और सब की बात करेंगे आप सब पढ़ चुके हो ठीक है उसके अलावा अगर एक और बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द कोजैम्स मोस्ट मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादातर ये जो होते हैं ये डेरीवेटिव होते हैं किसके डेरीवेटिव ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो अपन ने बहुत अच्छे से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन पड़े सबके के कोन्जैम फंक्शन अपन ने अच्छे से पढ़ चुके हैं तो ये आपकी एक रिविजन वीडियो के तौर पर भी ले सकते हो आप उसको ठीक है तो ये अपन ने कोंजाइम्स की बेसिक डेफिनेशन एपो एंजाइम को एनजाइम होलो एनजाइम की बात करी और थोड़ी प्रॉपर्टीज़ की बात करी अब अपन इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं ठीक है, है? तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो इसको मैं ब्रॉडली दो ग्रुप में बांट देता हूँ ठीक है दो ग्रुप में बांट देता हूँ मैं एक तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ को और एक सेकेंड ग्रुप ऑफ को ठीक है तो दो ग्रुप में बांट रहा हूँ मैं और नाम दे दिया फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप ठीक है तो फर्स्ट ग्रुप में क्या होगा इसमें जो भी रिएक्शन जो होगी जिसमें हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है वो रिएक्शन जो भी एंजाइम्स कैटेलाइज करते हैं वो इसमें आएंगे मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन्स वाले जो भी एंजाइम्स थे ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में जो रोल प्ले कर रहे थे एंजाइम्स उनके को जो होते हैं वो फर्स्ट ग्रुप में डाल रखे अपन ने ठीक है और इसके अलावा किसी का भी ट्रांसफ़र ऑफ एनी अदर ग्रुप एनी अदर ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन ठीक है तो उसको अपन सेकेंड ग्रुप में डाल रहे हैं। तो अब एग्जाम्पल समझना इसके अंदर मैं एग्जाम्पल जैसे दू एन ए डी प्लस एन ए डी एच एच प्लस तो अपन ने पहले ही अभी रिएक्शन जो देखी तो ये जो एन ए डी प्लस था ये कौन से ग्रुप का हो गया फर्स्ट ग्रुप का रिएक्शन आप सबको पता है ठीक है ऐसे बहुत सारे एन ए डी एच वाले एग्जाम्पल्स ठीक है उसके अलावा और मैं बात करूँ तो एफ एम एन एफ एम एन एच टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपन ने बहुत अच्छे से देखा एफ ए डी प्लस एफ ए डी एच टू ठीक है इससे कितनी आई मिलती है टू पॉइंट फाइव इससे कितनी मिलती है वन पॉइंट फाइव ये अपन ने बहुत अच्छे से देख लिया था ठीक है वो आगे जाके अगर आप पहली बार भी देख रहे हो ठीक है अगर नया बैच है तो वो आराम से समझ आ जाएगा उसका लोड नहीं लेना अभी बस ध्यान से ये बात समझनी है ठीक है तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए ठीक है और रिएक्शन अपन ने देख ही ली थी लेक्ट्रेड से पायरोवेड वाली वो भी यहाँ पर बना सकते हो आप ठीक है अब अगर सेकेंड ग्रुप की बात करूँ तो देखे ट्रांसफर ऑफ एनी अदर ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन तो वो वाली रिएक्शन में ठीक है और इसमें जो मोस्टली होते हैं वो सब बिलोंग करते हैं बी कॉम्प्लेक्स विटामिनस के ग्रुप से ठीक है तो आपने विटामिन की प्ले देख ली है तो ये बहुत अच्छे से समझ आएगा ऐसा करते हैं अपन एक टेबल बना लेते हैं ठीक है तो एक टेबल बना लेते हैं अपन तो यहाँ पे मैं को एनजाइम लिखूँगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि कौन सा ग्रुप ट्रांसफ़र हुआ है ठीक है और यहाँ पे एग्जांपल भी लिख लेंगे तो को एनजाइम लिखते हैं अपन ठीक है तो बी वन से लाइन से चालू करते हैं विटामिन बी वन का को एनजाइम फॉर्म कौन सा था थियामिन पायरोफोस्फेट टी पी पी एक्टिव फॉर्म एक्टिव को एन्जाइम फॉर्म ठीक है तो ये कौन सा ग्रुप ट्रांसफर करता था एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप की जितनी भी रिएक्शंस थी अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो एक्जाम्पल इसमें ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन किस में थी एच एम पी शंट के अंदर याद आई ठीक है याद नहीं आई तो रिविजन करो बी टू बी टू की अगर मैं बात करूँ तो बी टू इसमें नहीं आएगा अपन इसकी बात कर रहे हैं अभी सेकेंड ग्रुप की ठीक है बी टू भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर B2 का एक्टिव फॉर्म क्या था राइबोफ्लेविन ठीक है तो उसमें क्या था B2 के अंदर आपका एफ ए डी एफ ए डी एच टू और एफ एम एन एफ एम एन एच टू ये एक्टिव फॉर्म्स थे ठीक है तो ये क्या कर रहे हैं एफ FAD ए डी से एफ ए डी एच टू एफ एम एन से एफ एम एन एच टू तो हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है ना तो ये बी टू वाला जो आएगा ये आपका ग्रुप वन का हो जाएगा ठीक है एग्जाम्पल और ये एक, इसका अगर एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो क्या आ जाएगा सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेस ठीक है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ठीक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसके अलावा अब बी थ्री की बात करूँ तो बी थ्री भी इसमें आएगा कि नहीं आएगा बता दो फटाफट से बी थ्री का एक्टिव फॉर्म क्या था एन ए डी से एन ए डी एच ठीक है एन ए डी से एन ए डी एच तो ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एग्जाम्पल अपन ने देखा ही अभी इलेक्ट्रेड डीहाइड्रोजेनेस एल डी एच ठीक है तो ये भी किस में आएगा ग्रुप वन में आएगा बी थ्री वाला बाकी जो भी मैं लिख रहा हूँ वो इधर आएगा बी फाइव की बात करो तो बी फाइव का एक्टिव फॉर्म क्या था बी फाइव का को एनजाइम ए तो किसका ट्रांसफ़र कर रहा था ये एसाइल ग्रुप्स का ठीक है एग्जाम्पल पी डी एच पायरुवेद डिहाइड्रोजेनेस उसमें अपन ने मल्टी एनजाइम कॉम्प्लेक्स होता है देखे थे अपन ने ठीक है फिर बी सिक्स की बात करें तो बी सिक्स का एक्टिव फॉर्म क्या है पायरेडॉक्सल फॉस्फेट पी एल पी ठीक है तो इसमें किसका ट्रांसफ़र होता है अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे फेमस एनजाइम्स एस जी ओ टी एस जी पी टी या फिर ए एल टी एस टी ठीक है उसके अलावा बी सेवन का एक्टिव फॉर्म क्या था बायोटिन ठीक है तो ये किसका ट्रांसफर कर रहा था सी ग्रुप का कार्बोक्सीलेशन रिएक्शंस एग्जाम्पल की बात करूँ तो फैटी एसिड सिंथेसिस एसेटाइल को में ए कार्बोक्सीस ठीक है तो ये अब आपके लिए बहुत आसान हो गया इसलिए अपन एंजाइम्स लास्ट में पढ़ रहे है समझ आया क्यों पढ़ रहे है अपन लास्ट में बी नाइन का एक्टिव फॉर्म क्या था टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड ठीक है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड ठीक है तो ये किसका ट्रांसफर कर रहा था वन कार्बन मेटाबोलिज्म वन कार्बन ग्रुप्स का ट्रांसफर बी का एक्टिव फॉर्म क्या था मिथाइल कोबालेमिन या फिर एडेनोसाइल बी ट्वेल्व ठीक है एडेनोसाइल कोबालेमिन तो ये क्या कर रहा था ये भी किस में काम आ रहा था मिथियोनिन सिंथेसिस में याद काम आ रहा था एक तो याद है ना आपको मिथियोनिन सिंथेसिस में और किस में काम आ रहा था एक और रिएक्शन थी बताओ फटाफट मिथाइल मेलोनाइल को एनजाइम ए म्यूटेस ठीक है जो अपना और चेन फैटी एसिड्स में अपन ने देखा था ठीक है तो ये एक तरह से रिविजन है इसमें बी और बी जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है इसलिए ग्रुप वन में आ गए और बाकी के जितने भी है वो ग्रुप टू में आ गए तो मैंने क्या बोला था मोस्टली दे बिलोंग टू बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन ठीक है तो ये अपने को एनजाइम्स हो गए अब एक टॉपिक अपन को और देखना है ठीक है ये तो अपन ने बेसिक देख लिया अब कुछ इनके अंदर को एनजाइम्स जो होते हैं वो मेटेलो एनजाइम्स एक टॉपिक देखते हैं अपन ठीक है मेटेलो एनजाइम्स तो क्या होते हैं मेटेलो एंजाइम्स मेटेलो एनजाइम्स मतलब एंजाइम्स विच कंटेन मतलब ऐसे एंजाइम्स विच कंटेन मेटल ग्रुप मेटल ग्रुप एज अ प्रोस्थेटिक एज को फैक्टर या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप ठीक है तो उनमें जो मेटल आयन जो होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ठीक है तो ये बहुत हाई हील्ड एम सी की टॉपिक है आपके लिए ठीक है अब मैं अगर ये भी एक टेबल ही बनाऊँगा ये धीरे धीरे आपको याद करने पूरी बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको ये याद हो जाएगा ठीक है अब ये प्योर थ्योरिटिकल है कि कौन से एंजाइम में ये मेटल होता है तो मैं मेटल अगर लिखूँ जिंक अब आपने पूरी बायोकेमिस्ट्री पढ़ी तो आप मेरे साथ बोल रहे होंगे और नहीं पढ़ी है तो आपको यहाँ पर रटना पड़ेगा ठीक है तो जिंक किस किस में होता है कार्बोनिक एनाइड्रेस के अंदर कार्बोनिक एनाइड्रेस एल्कोहल डिहाइड्रोजनिस याद है वर्ल्ड विजुअल साइकिल में भी बताया था ये मैंने और कार्बोक्सी पेप्टाइडिस और अभी रिसेंट जो अपनी अगली प्ले अगली पिछली प्लेलिस्ट थी उसमें अपन ने क्या पढ़ा आर एन ए पॉलीमरेज उसमें भी जिंक था बैक्टीरियल आर एन ए पॉलीमरेज के अंदर ठीक है उसके अलावा आप दूसरा मेटल में बात करूँ तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम किस किस में था अब मैग्नीशियम मैंने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाई थी जब भी बताया गया जहाँ भी काइनेज वर्ड आए एंजाइम के अंदर काइनेज जैसे कि हेक्सोकाइनेज काइनेस काइनेज काइनेस ठीक है मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे नोट्स में सब लिखा हुआ है ठीक है काइनेज वर्ड आए वहाँ पे या फिर इनोलेस तो इसमें मैग्नीशियम होता है ठीक है उसके अलावा अब नेक्स्ट मेटल की बात करूँ मैं तो मैंगनीस ये एम सी क्यों आते हैं आपके ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा में भी पूछते हैं मैंगनीस किस किस में एंजाइम में होता है तो फोस्फो ग्लूकोम्यूटेस फोस्फो ग्लूकोम्यूटेस वही ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेस ठीक है ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे ठीक है उसके अलावा अब मैं कॉपर की बात करूँ तो कॉपर तो अपन ने बहुत अच्छे से कॉपर अच्छे से मिनरल्स में बहुत अच्छे से देखा वो सारे एंजाम्स जहाँ पे लिख दो आप टायरोसिनेस में कॉपर होता है उसके अलावा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में कॉपर होता है उसके अलावा लाइसाइल ऑक्सीडेज़ ये अपन ने देखा था ब्लड वेसल्स की वॉल मेंटेन करता है ठीक है उसके अलावा सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज फ्री रेडिकल्स में बहुत अच्छे से देखा था उसके अंदर भी कॉपर होता है अब अगर मैं आयरन की बात करूँ तो आयरन किस किस में होता है आयरन भी वही साइटोक्रोम ऑक्सीडेज़ में होता है एक तो उसके अलावा कैटेलेज में होता है और परऑक्सीडेज में भी होता है ठीक है और आयरन जेंथीन ऑक्सीडेज में भी होता है ठीक है फिर कैल्शियम की बात करूँ तो किस में होता है कैल्शियम और मोलिब्डेनम ये दो एंजाइम और बच रहे हैं आपके तो कैल्शियम की बात करूँ तो किस में होता है लाइपेज और फोस्फोलाइपेज में कैल्शियम होता है ठीक है और मोलिब्डेनम जेंथीन ऑक्सीडेज तो इस पर क्वेश्चन आ रखा आपका कैल्शियम पर नहीं आया कॉपर का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से कॉपर कभी नहीं भूलना है ठीक है जिंक कभी नहीं भूलना है जो अपन ने दोनों मिनरल्स में भी अच्छे से डिस्कस किए मैग्नीशियम में काइनेज वर्ड ध्यान रखना और मैंगनीज़ ठीक है मैंगनीज़ ध्यान रख लेना ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट थे आपके लिए जो मैंने बाद में वापस से गोली भी बना दिए अब कुछ नॉन मेटल्स जो होते हैं वो भी कोफैक्टर्स हो सकते हैं जैसे एक एग्ज़ाम्पल याद रखना कि क्लोराइड आयंस जो होते हैं अब क्लोराइड मेटल थोड़ी है नॉन मेटल है दे एक्टिवेट अमाइलेज एंजाइम ठीक है तो कुछ ऐसे एंजाइम है जिसमें नॉन नॉन मेटल्स भी को की तरह एक्ट कर सकते हैं ठीक है तो जैसे कि क्लोराइड आयन्स ठीक है तो ये मेटल आयंस पार्टिसिपेट ये मेटल आयंस का रोल क्या है तो ये क्या करेंगे कि ये मेटल आयन्स जो है ये क्या करेंगे दे बाइंड विथ सबस्ट्रेट एंड ओरिएंट देम फॉर रिएक्शन ओरिएंटिंग देम फॉर रिएक्शन ठीक है तो एक तो ये बाइंड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कर सकते हैं जैसे कि कोई आयरन है तो ये प्लस टू में ये प्लस थ्री में हो जाएगा ठीक है तो ये मेटल क्या कर सकते हैं कि ये रिएक्शन को कैसे रिवर्सिबल चेंजेस ऑक्सीडेशन के थ्रू कि ये एफ ई से एफ ई में और कोई प्रोडक्ट होगा उसका रिडक्शन हो जाएगा साइमल्टेनियस तो ऐसे एक्ट कर सकते हैं और ये स्टेबिलाइज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस या इलेक्ट्रिक चार्जेस ठीक है तो इस तरह से एक्ट कर सकते हैं ये कोई नहीं पूछेगा हाई टॉपिक ये है आपके ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें ये भी टेबल इंपॉर्टेंट है ये तो आपने पढ़ लिया तो आपको हतोहत याद है विटामिन में अपन ने बहुत अच्छे से देखिए वो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप आपको समझ आई गया और को इन्जाइम्स क्या होते हैं ये इंपॉर्टेंट है वह में पूछेगा होलो एंजाइम क्या होता है एपो एंजाइम क्या होता है को इनजाइम क्या होता है और इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ और एग्जाम्पल्स से अपन ने देख लिया ठीक है तो ये थे आपके को इन्जाइम्स बहुत इंपॉर्टेंटली शॉर्ट नोट आ जाता है को इनजाइम्स पर भी कभी कभी तो आपको डेफिनेशन लिखनी है कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी है और थोड़े बहुत एग्जाम्पल ये सब नहीं लिखना है ठीक है ये सब तो मैंने इसलिए बताया क्या कि एम या फिल इन द ब्लैंक या वाइवा में अलग से पूछे कि हाँ ये मेटल में कौन सा एंजाइम होता है या फिर ये को एंजाइम है टी पी किसका है तो बी वन का है पी एल पी किसका है बी सिक्स का है तो वो अपन ने विटामिन में अच्छे से डिस्कस किया है पर ये एक तरह से समरी आपके लिए रह गई और आपको यहाँ पे एंजाइम्स में कि हाँ लगे लगेगा ठीक है पढ़ा है ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वीडियो में अपन देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स ठीक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो मिलते हैं अगली वीडियो में जय हिंद जय भारत